खंडवा नगर के द्वारा जामना की घटना को लेकर विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध किया। ग्राम जामनिया में नाबालिग बालिका के साथ हुए अप्राकृतिक कृत्य और हत्या के विरोध में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। नगर मंत्री शुभम पटेल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिले में हो रही अमानवीय घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करती है। परिषद इस ओर पुलिस को अवगत कराते हुए अनुरोध करती है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जहां एक ओर जिले में नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, वहीं इस प्रकार की घटनाएं जिले को कलंकित कर रही है। इस विषय में प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस दौरान विभाग सह संयोजक कपिल अज ने, आशीष पंचवाल, शुभम वासले सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। सभी को ज्ञात है कि पन्नाना के ग्राम जामनिया में जो पिछले दिनों अप्राकृतिक घटना हुई, उसी के संबंध में आज ज्ञापन सौंपने आए थे। हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही हमारे जिला नए नए कीर्तिमान रच रहा है और हमारे जिले को कहीं ना कहीं ये कलंकित करने वाला विषय है, तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर इन पे जल्द से जल्द फैसला करके इनको सजा दी जाए। शुभम पटेल, नगर मंत्री खंडवा। इसी बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसे के परिसर में हम आए हैं कि जो डबल उस जो भी रेप हुआ है कि पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए कि आज हम ज्ञापन देना आए हैं। और जरूरी तो नहीं है कि हर लड़की अकेली नहीं जा सकती, हर किसी का अधिकार है अपने अपने जिले का। तो आप जो भी एक अपनी संस्था में आए हैं, इस संस्था में हम इसी ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। आपका परिचय बता दीजिए। मैं रोशनी पटेल, पिता का नाम नारायण पटेल, मिर्जापुर भोंडवा से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।